नमस्कार, मैं आकांक्षा परिहार एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे शो वक्त के साथ इस दिन का इतिहास में। तो दर्शकों, आपको रूबरू करवाते हैं 8 फरवरी के इतिहास से। आज ही के दिन 1922 में व्हाइट हाउस में रेडियो सेट स्थापित किया गया था। आज ही के दिन 8 फरवरी 1922 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 29वें राष्ट्रपति वॉरेन जी हार्डिंग ने व्हाइट हाउस में पहला रेडियो सेट स्थापित किया था। 1897 में देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1897 में देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, जिनका पूरा नाम जाकिर हुसैन खान था। वे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के को फाउंडर थे और उन्होंने करीब 20 साल तक जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर के रूप में पदभार संभाला था। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। पोर्ट ऑर्थर की लड़ाई, जापानियों द्वारा किया गया एक आश्चर्यजनक टॉर्पीडो हमला। 8 फरवरी 1904 में रूसो जापानी युद्ध की शुरुआत हुई थी। पोर्ट ऑर्थर में लंगर डाले रूसी बेड़े पर जापानी विध्वंसकों के एक स्क्वाड्रन द्वारा रात को अचानक हमला किया गया था। पोर्ट ऑर्थर में हुए युद्ध से आगे की झड़प मई 1904 तक जारी रही थी। हालांकि युद्ध के परिणाम स्वरूप एक निर्णायक जापानी जीत हुई, हमला अनिश्चित रूप से समाप्त हो गया था। 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई थी। आज ही के दिन यानी 8 फरवरी 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार यात्रियों को सुविधा देने के लिए प्रीपेड टैक्सी शुरू करवाई गई थी। तो दर्शकों, आज हमने आपको आज के दिन के इतिहास के बारे में बताया। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए वक्त इंडिया। नमस्कार।